सोचिए क्या जवाब दे जब जनता हमसे ये पूछती है कि ये डावोस में जब ये फोटो सेशन हुआ, इतने बड़े एनजीओ के बुलाने पे प्रधानमंत्री और बड़े बड़े देश के नेता गए थे, उनका डेलीगेशन गया था, वो अगर डेलीगेशन का पार्ट ना भी रहे हों, जैसा कि सरकार के कुछ लोग कहते हैं, नीरव मोदी की बात कर रहा हूं, लेकिन ये तो यकीनन उस फोटोग्राफ में शामिल हुए और दूसरे और तीसरे नंबर पे थे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री के बाद। मैं प्रधानमंत्री पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उसमें पीएमओ क्या सो रहा था? क्या पीएमओ के बगैर मर्जी के, बगैर जांच पड़ताल के वो आदमी वहां जाके फोटो सेशन में शामिल हो गया? ये कहते हैं कि साहब वो हैंगर ऑन था, घूम रहा था वहां आदमी। क्या वो कोई कंपनी बाग है? क्या वो पार्क है? क्या घूमने की जगह है? क्या जो चला गया वहां घूम रहा था? अरे भाई, जब उसका कहा गया होगा कि इस ग्रुप फोटो में, जो ग्रुप फोटो पूरे दुनिया में जाएगी, उसमें वो शामिल हो रहा, बहुत महत्वपूर्ण जगह पे खड़े हो रहे हैं वो, तीसरे चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री के बाद, तो जाहिर है मैं प्रधानमंत्री को अगर ना भी कहूं तो प्रधानमंत्री का दफ्तर पीएमओ इस बात से पूरी तरह अवगत होगा, ऐसा दिखता है। देखिए, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, अगर हर बात का श्रेय लेते हैं हम लोग तो हमें उसकी भर्सना भी, निंदा भी लेनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ ताली कप्तान।